हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस का वर्गीकरण। प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम कॉमनली फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमि के नाम से जानते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो संगठन का स्तर होता है वो ऑर्गन ग्रेड लेवल का होता है, यानी कि अंग स्तरीय संगठन पाया जाता है। ये एसिलोमेट हैं, इनमें देह गुहा का अभाव होता है और देह गुहा के स्थान पर पेरेन्काइमेटस ऊतक भरा रहता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि त्रिस्तरीय हैं और इनके जो भ्रूण हैं उनके उसके जर्म लेयर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाई जाती है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, जिसका मतलब है कि मुख पाया जाता है और एनस का अभाव होता है, यानी कि एक ही पोर पाया जाता है। और कुछ दूसरे सिस्टम्स जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का अभाव होता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस फ्री लिविंग और पैरासाइट्स दोनों प्रकार के होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम तीन वर्गों में, तीन क्लासेस में विभाजित करते हैं, क्लास टर्बुलेरिया, क्लास ट्रिमेटोडा एंड क्लास सेस्टोडा। क्लास टर्बुलेरिया जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, उनको आगे हम ऑर्डर एसीला, रेबडोसीला, एलोसीला, ट्राइक्लेडिडा और पॉलीक्लेडिडा में वर्गीकृत करते हैं। ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। एसीला में इंटेस्टाइन का अभाव होता है, उदाहरण के लिए कॉनुलेटा। रेबडोसीला में इंटेस्टाइन सैक जैसे पाई जाती है, उदाहरण के लिए माइक्रोस्टोमम। एलोसीला में इंटेस्टाइन के प्रवर्ध, आहार नाल के प्रवर्ध होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन डाइवर्टिकुलेटेड होती है, उदाहरण के लिए प्लेजियोस्टोमियम। एंड ट्राइक्लेडिडा में जो इंटेस्टाइन है उसके तीन ब्रांचेस पाई जाती हैं, तीन शाखाएँ पाई जाती हैं, एक एंटीरियर और दो पोस्टीरियर, उदाहरण के लिए प्लैनेरिया। पॉलीक्लेडिडा में जो इंटेस्टाइन होती है उसके कई ब्रांचेस पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए लेप्टोपेना। द्वितीय क्लास ट्रेमेटोडा कहलाती है, जिसमें सारे एक्टो या एंडो पैरासाइट्स शामिल हैं। इनको हम दो ऑर्डर्स में विभाजित करते हैं, ऑर्डर मोनोजीनिया जिसके अंदर एक ही चूसक पाया जाता है, ओरल सकर, और इनका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, उदाहरण के लिए पॉलीस्टोमा। एंड डाइजीनिया में दोनों सकर पाए जाते हैं, ओरल एंड वेंट्रल, और इनमें इंटरमीडिएट होस्ट पाया जाता है, उदाहरण के लिए फैशुला जिसे हम कॉमनली लिवर फ्लू के नाम से जानते हैं। सेस्टोडा एक्सक्लूसिवली केवल और केवल एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनको आगे हम दो उपवर्ग में विभाजित करते हैं, सब क्लास सेस्टोडेरिया एंड सब क्लास यूसेस्टेडा। सेस्टोडेरिया की बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड, अखंडित देह पाई जाती है। ये आगे दो ऑर्डर्स में विभाजित होते हैं, एम्फीलिनिडिया जिसके अंदर एम्फीलाइना आता है, एंड गायरोकोटिलिडिया जिसके अंदर गायरोकोटाइल आता है। सब क्लास यूसेस्टोडा की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। ये आगे चार ऑर्डर्स में विभाजित होता है, ऑर्डर टेट्राफाइलिडिया जिसके अंदर फाइलोबोथ्रियम आता है, ऑर्डर सूडोफाइलिडिया जिसके अंदर डाइबोथ्रस सिफेलस आता है, ऑर्डर प्रोटोसिफेला जिसके अंदर प्रोटोसिफेला आता है, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया जिसके अंदर टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा आता है। ये कुछ चित्र जो हैं ये प्लैटीहेल्मिन्थेस के हैं। हम देख पा रहे हैं जुडिशिया का चित्र, ये टर्बुलेरिया क्लास के अंदर है, और जुडिशिया टर्बुलेरिया क्लास के अंदर आता है। उसके बाद जो फैशुला है ये क्लास ट्रेमिटोडा के अंदर डाला जाता है, एंड टीनिया सेजिनेटा का चित्र है जिसकी बॉडी सेगमेंटेड है, तो ये यूसेस्टेडा के अंदर आता है। बॉडी की इंटीरियर साइड के ऊपर स्कॉलेक्स यानी कि उसका हेड प्रेजेंट है विद सकर एंड हुक्स, देन नेक एंड सेगमेंटेड बॉडी जो है पाई जाती है। ये क्लास सेस्टोडा के अंदर डाला जाता है। इस वीडियो में इतना ही,
थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड लाइक द बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल.